जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम आपको गोपाष्टमी व्रत की कथा सुनाएंगे। आइए शुरू करते हैं। जब श्री कृष्ण जी 6 वर्ष के हुए तो यशोदा मैया से कहने लगे कि मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तब यशोदा जी ने प्रेम पूर्वक कहा, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब हम क्या करें। इस पर कन्हैया जी बोले कि माता, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। तब यशोदा मैया ने कहा, ठीक है, अपने बाबा से पूछ लेना। अपनी मैया के इतना कहते ही श्री कृष्ण जी नंद बाबा से पूछने चले गए। नंद बाबा ने कहा, लल्ला, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। लेकिन कन्हैया हट करने लगे। तब नंद बाबा ने कहा, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गोचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर कृष्ण जी झट से पंडित जी के पास पहुँच गए और बोले, पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज का ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, क्या बात है पंडित जी, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। तब पंडित जी ने कहा, क्या बताए, गोचारण के लिए केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने कान्हा को गोचारण की स्वीकृति दे दी। उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गायों को चराना प्रारंभ किया। भगवान जिस समय कोई भी कार्य आरंभ करते हैं वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। यही शुभ मुहूर्त कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोचारण आरंभ किया गया था। इसके बाद मैया यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही मैया यशोदा कान्हा के पैरों में जूतियां पहराने लगी तो कन्हैया मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैया, यदि मेरी गाय जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ, यदि आप उनको पहना सकती हो तो सभी गायों को जूतियां पहना दो। फिर भगवान कृष्ण ने जूतियां नहीं पहनी और जब तक भगवान कृष्ण वृंदावन में रहे भगवान ने कभी भी अपने पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते हुए कन्हैया, बलराम और ग्वाल बाल ने वन में विहार करते थे। तब से भगवान श्री कृष्ण की गोचारण लीला का प्रारंभ हुआ। इसी के साथ ही एक दूसरी कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी सबसे छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, जिसके बाद उस दिन से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। ब्रज में इंद्र का प्रकोप इस तरह से बरसा कि लगातार बारिश होती रही, जिससे बचने के लिए श्री कृष्ण जी ने 7 दिन तक पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाए रखा था। गोपाष्टमी के दिन ही भगवान इंद्र ने अपनी हार स्वीकार की थी और श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी थी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा था। इसी के साथ ही एक अन्य कथा और जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार एक बार राधा रानी भी गाय चराने के लिए वन में जाना चाहती थी, लेकिन लड़की होने की वजह से उन्हें इस बात की कोई भी आज्ञा नहीं देता है। जिसके बाद राधा रानी को एक तरकीब सूझती है, उन्होंने ग्वाले का रूप धारण किया, ग्वाले के जैसे ही वस्त्र पहने और वन में जाकर श्री कृष्ण जी के साथ गाय चराने चली गई। श्री राधा जिस दिन गाय चराने गई थी वह गोपाष्टमी का दिन था। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।